जो सोचे पहली वीडियो हम ऐसे डाल देंगे लाखों में करोड़ों में व्यूज आ जाएंगे। मेरे दोस्त आपको ये चार पॉइंट अगर अभी भी समझ नहीं आए ना तो आपके लिए यूट्यूब नहीं बना। तो दोस्तों स्वागत है एक और धांसुर धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो में मेरे दोस्त में हम बात करेंगे मनोज दे के ऊपर। मनोज दे इतनी जल्दी इतनी ग्रोथ कैसे पाली? और मेरे दोस्त आप सब सोचते होंगे कि सक्सेस के पीछे उनके टाइटल और थंबनेल है। नहीं मेरे दोस्त, ये सब सेकेंडरी चीजें आती हैं। वो अपने जीवन में एक ऐसी चीज अप्लाई करता है जो कि आपको पता भी नहीं है। और वो चार ऐसी बातें हैं जो कि वो अपने जीवन में स्टार्टिंग से लेकर अभी तक करता आ रहा है और आगे भी वो अप्लाई करेंगे। मेरे दोस्त अब लोग कहेंगे कि तू खुद अप्लाई करके अपने चैनल को ग्रो कर लेना, तो मेरे दोस्त मैं उनको बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि वक्त और हालात किसी का भी हरदम सेम नहीं रहता। उनका भी मेरे भाई किसी टाइम ऐसा हालात थी कि उनके पास खाने के लिए और घूमने फिरने के लिए कोई बाइक तक नहीं होया करती थी। उनकी भी जिंदगी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होया करती थी और उसमें उनको बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती थी। बट फिर भी अपनी सारी चीजों को पीछे छोड़ के वो आज एक बहुत बड़ा ब्रांड है। आज मैं इस वीडियो में आपको सही तरीके से बताने वाला हूँ कि वो कौन से चार तरीके थे उन्होंने सब क्रिएटर्स को पीछे छोड़ के, जो आप देखते होंगे बड़े बड़े क्रिएटर्स, वीमे क्रिएटर, टेक्निकल योगी सर, जुन्नू की टेक और भी क्रिएटर्स है, तो मेरे दोस्त उन सबको पीछे छोड़ के आगे आ गए। कैसे आए आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। बट आपको अगर वेस्ट लग रही हो वीडियो तो आप प्लीज इस वीडियो को छोड़ के साथ सकते हैं। मैं उनकी ग्रोथ सीक्रेट बता रहा हूँ। लोग कहेंगे अब तू खुद ही कर लेना, हमें क्यों बता रहा है? बट आप समझेंगे ना, जो बंदा समझना चाह रहा है वो एंड तक वीडियो देखेगा तो उसको इस वीडियो से बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छा समझाने वाला हूँ। आप लोग ज्यादा सोचेंगे तो वो उनके ऊपर है, मैं इसमें ज्यादा और कुछ नहीं बता सकता। चलिए मेरे दोस्त आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को आपको एंड तक सही तरीके से समझाता हूँ। चलिए दोस्तों, सो दोस्तों मनोज दे एक ऐसे आदमी है जिन्होंने अपनी एक जीरो से उठ के हीरो तक का सफर तय किया है। अब सबसे पहले बात आती है मेरे भाई, उन्होंने अपनी ना एक ब्रांड वैल्यू बनाई है। नंबर वन पे बात यही आती है कि उन्होंने अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाई है इस मार्केट में। वो ऐसे क्रिएटर थे जिनको आज के टाइम पे कोई भी नहीं जानता अगर वो उसी तरीके से काम करते। उन्होंने आज तक वो अप्लाई नहीं किया, उन्होंने अपने चीजों में बदलाव लाया, सारी चीजों में बदलाव लाया और एक मैनेजमेंट करना सीखे। ये नहीं कि ऐसे टुकुर मुकुर काम करना लग गए, ये मैंने ये वीडियो डाल दी वो वीडियो डाल दी, नहीं, उन्होंने एक कंसिस्टेंसी रखी और एक वर्क में फ्लो रखा जिससे वो अपने काम में सही तरीके से आ पाए। अपने एक फेस की वैल्यू बनाई जिससे आज अगर वो किसी कंपनी से एक अच्छा खासा अमाउंट मांगते हैं तो वो कंपनी एक मिनट भी नहीं सोचेगी। अगर वो उनके व्यूज भी कमा रहे हो फिर भी वो कंपनी उसको पे करेगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने फेस की एक वैल्यू बनाई है और एक अपने ब्रांड वैल्यू बनाई है। मनोज दे आज के टाइम पे एक नाम नहीं रह गया, एक उसने अपने आप को ब्रांड बना दिया है। आज के टाइम पे बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं होती ग्रोथ दोस्तों, आप जो सोच रहे हो एक साल में, दो साल में, तीन साल में नहीं मिलती ग्रोथ। लोग सोचते हैं अरे इस क्रिएटर ने एक महीने में इतनी जल्दी ग्रोथ कर ली, इस क्रिएटर ने इतनी जल्दी ग्रोथ कर ली, बट क्या आप जानते हैं कि उस क्रिएटर का अगले साल क्या हो रहा है? कोई कुत्ता नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि उसके फेस वैल्यू नहीं है। क्योंकि आप देखते होंगे फेसलेस चैनल कितने कितने बड़े बन जाते थे, मिलियन मिलियन में व्यूज आ जाते थे, मिलियन मिलियन में सब्सक्राइबर हो जाते थे, बट उनको कोई आज नहीं पूछ रहा कौन थे वो, डिलीट हो गए चैनल। बहुत से चैनल ऐसे डिलीट हो गए हैं जिनको आप जानते भी नहीं हो, बस उनकी वीडियो देखने में आपको पसंद आती थी। तो मेरे दोस्त अपने एक फेस वैल्यू, ब्रांड वैल्यू बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप भी अपनी एक फेस वैल्यू बनाएंगे जैसे मैं कर रहा हूं मेहनत, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो ऐसे एक दिन आएगा जिसमें इस फेस की भी वैल्यू होगी। समय सबका बदलता है, आपको खुद को पता है समय सबका बदलता है, बट मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, आपको इसमें काम करना पड़ेगा सही तरीके से। अगर आप किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हो, किसी जगह पढ़ाई कर रहे हो, तो उस जगह भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप अगर किसी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आपको फर्स्ट डिवीजन आने के लिए आपकी पूरी किताब को चाटना पड़ेगा, मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी जिससे आप फर्स्ट आ सके। तो इस काम के लिए भी, किसी अपने अलग काम के लिए भी अपनी पूरी जी जान लगाना पड़ेगा, उसमें पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा और कैसे उसको बढ़ाना है वो आप सोचना पड़ेगा। नए कंटेंट को कंज्यूम करना पड़ेगा, लोग क्या देखना चाह रहे हैं उसको देखना पड़ेगा, वो आपको बनाना पड़ेगा जिससे आपकी एक फेस वैल्यू, ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी बने। और किसी स्पॉन्सरशिप से आप अगर पैसा मांगते हैं डंक का, तो वो आपको देने के लिए 1% भी हिचकिचाए ना। तो मेरे दोस्त सबसे पहली बात आ गई उनकी ब्रांड वैल्यू, उसके बाद आती है कंसिस्टेंसी। लोग मजाक समझ रहे होंगे, कंसिस्टेंसी ऐसी बात नहीं है, इसको भी मेंटेन करना बहुत बड़ी परेशानी रहती है। अब तुम सोच रहे हो आज वीडियो बना ली हमने 10, अब उसको हम 10 बार डालते रहेंगे, तो 10 दिन के बाद क्या डालोगे? बीच में कोई ट्रेंड आ गया तो उसमें क्या डालोगे? कंसिस्टेंसी मेंटेन करना भी बहुत बड़ा काम है।
कोई अपडेट आ गया, कोई दिक्कत आ गई या कहीं कोई स्टॉप आ गया, तो उसको मेंटेन करना भी बहुत बड़े काम है। आपको ये चीजें भी समझनी पड़ेंगी और सही तरीके से वर्क करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी डेली वीडियो अपलोड करना नहीं होता, एक वीडियो के साथ अपग्रेडेशन भी करना होता है। आप मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं, ये मेरी पहले की वीडियो है और आज मेरी आप वीडियो फ्रंट की देख ही रहे कि मैं कितना बदलाव किया है। थोड़ा बहुत लाइटिंग में होगा, थोड़ा बहुत फेस में होगा, थोड़ा बहुत बोलने में होगा, ये चीज होगा, कंसिस्टेंसी के साथ चेंज होती है। आप जो सोचे पहली वीडियो हम ऐसी डाल देंगे लाखों में करोड़ों में व्यूज आ जाएंगे, नहीं होता मेरे दोस्त। बहुत कहना आसान है, नहीं होता, बहुत मुश्किल लगती है। तो मेरे दोस्त आपको कंसिस्टेंसी के साथ प्लस भी करना है, अपग्रेडेशन भी करनी है, जिससे आपका वर्क सही तरीके से दिखे। अब नंबर 3 पे बात आती है, एंगेजिंग द ऑडियंस। मेरे दोस्त उन्होंने ना एक ऐसी इमोशन जोड़ी लोगों के साथ और जो रूरल एरियाज में थे उनके साथ, उन्होंने एक आज जगाई है। वो जिस जगह रहते थे ना बिहार साइड में धनबाद जिले में, वहां पे कोई यूट्यूब को जानता नहीं था। उन्होंने उस रूरल एरिया को एक ऐसा अपने अंदर मोटिवेशन डाला और उनके अंदर एक ऐसी आग जगाई कि आप भी पैसा कमा सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे क्या ही जानते थे, 7 साल पहले कौन ही जानता था यूट्यूब को। उसने एक जिद ठानी और उनको एक एंगेजिंग पीपल बनाया, जिससे वो उनकी वीडियो देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। अगर मनोज ने कोई गलत बात भी बता दे, कोई गलत कंटेंट भी बता दे उसमें, तो भी वो वीडियो मनोज दे के लिए देखते हैं, उनके कंटेंट के लिए नहीं देखेंगे। क्यों? उस जगह मनोज दे है, उन्होंने अपना अच्छा खासा एक फेस वैल्यू बनाया है, अपना एक ऑडियंस एंगेजिंग बनाया है, जिससे लोग जो होते हैं ना उनको सिर्फ देखने आते हैं। सिर्फ थंबनेल अच्छा लगाने से, टाइटल अच्छा लगाने से कुछ भी नहीं होता। लाखों करोड़ों लोग डेली अपलोड कर रहे हैं, उनका थंबनेल इतना अच्छा प्यारा है, इतना सब कुछ है, बट व्यूज आते हैं नहीं। कैसे बीट कर रहा है वो? उन्होंने एंगेज किया है। जो ऐसे हमारे जैसे लोग हैं उन्होंने समझाया कि तुम वर्क कर सकते हो और अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हो, उन्होंने बताया है। ऐसी जगह से उठ के ऐसी जगह पे आना बहुत बड़ी बात होती है। आप भी कर सकते हैं, बस आप करना नहीं चाहते, हाथ में हाथ धरे बैठे वीडियो देखना चाहते हैं। बस आपके अंदर मोटिवेशन जगानी पड़ेगी, आपके अंदर खुद करने की चाह आनी चाहिए, आप उसको सही तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं होती, मैं चाहूं तो मैं भी नहीं बताऊं मेरे कौन सा कुछ जा रहा है, मेरे कोई मतलब नहीं है। मैं आपके सामने वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप भी कुछ कर सके। मेरे को कोई स्किल नहीं थी, मेरे अंदर भी कोई बोलने की बात अच्छी तरीके से नहीं थी, बट आज मेरे अंदर एक ऐसी स्किल हो गई है कि मैं आपको सही तरीके से बोल सकता हूं। अब मेरे सामने लाखों लोग बैठे हो ना, उनके सामने भी बोलने की मेरी हिम्मत हो गई है। क्यों? क्योंकि मैं अपना काम डेली अपग्रेड कर रहा हूं, धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा हूं, जिससे लोगों को भी देखने में मजा आ रहा है और मेरे को बनाने में भी मजा आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात होती है। आप भी ऐसा करेंगे ना तो आपको भी स्किल जनरेट होगी। आपके अंदर कोई ना कोई स्किल होती है, जिसके अंदर नहीं भी होती ना, वो भी व्लॉगिंग का कंटेंट, मिनी व्लॉग का कंटेंट ऐसा डालता है कि वो इंगेज कर लेता है लोगों को अपनी तरफ दिखाने के लिए कि मेरे को पूरा देखो, शॉर्ट वीडियो पूरी एंड तक देखो। समझ आ गया होगा मेरे दोस्तों को, इतनी देर से बता रहा हूं तो समझ तो आ ही गया होगा। अब नंबर 4 पे बात आती है मेरे दोस्त, कंटेंट चेंजिंग। मेरे भाई उसने ना कीप ऑन कंटेंट चेंजिंग में चलाया। अब पहले आप देख सकते हैं वो एक J2 की वीडियो बनाता था, J2 की वॉइस ओवर वीडियो। आज के टाइम पे वो फेस कैम वीडियो बनाता है और लोगों को अट्रैक्ट करता है। ये उसने कंटेंट चेंजिंग पे चलाया। पहले उसने कुछ और डाला, फिर उसने कुछ और डाला, फिर कुछ और डाला, फिर कुछ और डाला। आज के टाइम पे जो लोग देखना चाह रहे हैं उसके साथ वो ऑडियंस बिल्ड हो चुकी है। उसने बिना फेस कैम वाले चैनल से चालू किया था और आज उसी चैनल को उसने कहां पे लाके खड़ा कर दिया। आप मेरी बात सुनोगे कि 1200 वीडियो डालना कोई कम बात नहीं होती। लोगों की ना फटके चार हो जाती है 200 वीडियो डालने में, और वो कहते हैं यार हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा। 6-7 साल देना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। मैं खुद कह सकता हूं कि 3 महीने में 4 महीने में अंदर से टूट जाते हैं कि जब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, फॉलोअर्स नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, अंदर से आत्मा बढ़ जाती है। बट दिमाग में याद रहता है कि हमें करना है, हमें कुछ करके दिखाना है, तभी हमारा आगे नाम होगा। तो मेरे दोस्त आपको सही तरीके से काम करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात तो कुछ मेरे दोस्तों को यही नहीं पता होगा मनोज दे है कौन। तो मनोज दे मेरे दोस्त एक टेक यूट्यूबर है जो कि बहुत अच्छी नॉलेज देता है, लोगों को बताता है कि आप कैसे ग्रो कर सकते हैं यूट्यूब पे और अपनी ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं, कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करनी है और उसको एडिट कैसे करनी है। जो लोग को नहीं पता था उनके लिए मैंने सही तरीके से बताया। आप उनको अब सही तरीके से जान गए होंगे, मेरी स्क्रीन पे आप सही तरीके से उनकी फोटो देख सकते हैं। अब मेरे दोस्त जो आपको सही तरीके से समझ आए हैं, ये 4 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, ये आप अप्लाई करके देखो। मैं खुद अप्लाई कर रहा हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं अप्लाई नहीं कर रहा, मैं खुद अप्लाई कर रहा हूं।
बस यही है ना कि लोग आजकल बहुत तेजी के दौर में जीना चाहते हैं कि वो बिल्कुल फास्ट वीडियो देख ले, बिल्कुल जल्दी वाली वीडियो देख ले, उनको वो चाहिए। आज के टाइम पे वो स्लो वीडियो मैं जैसे बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो नहीं देखना चाहते। सीधी बात है, कोई छुपा फुरा के बातें नहीं है, वो एक एंटरटेनमेंट वीडियो देखना चाहते, सीधी बात। आप उनको समझाए कोई कि आप ग्रो कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो, अपने काम कर सकते हो, नहीं समझेंगे। कितनी भी फकलाइती बातें बोल दूं मैं ऐसे, कोई भी नहीं समझेगा। मैं खुद नहीं समझता, दूसरों की क्या बोल सकता हूँ। अब मेरे सामने कोई अच्छा बता रहा हो, कोई समझा रहा हो, तो उसकी बात मैं आधे घंटे, एक घंटे सुन सकता हूँ। दो घंटे तक अगर वो एक्सटेंड कर दे तो किसी को नहीं समझ आएगी। भाई अपनी भी कैपेसिटी होती है, आपकी भी कैपेसिटी है, मैं मानता हूँ, बट आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, तभी आप ग्रो कर सकते हो। अब लोग स्किप कर करके वीडियो देखते हैं, क्यों देखते हो? आपको बीच में कोई ऐसी बात बता दी गई कि आपको समझ ही ना आई, तो आप कैसे ग्रो करोगे? अगर मेरे दोस्त आपको ये चार पॉइंट अगर अभी भी समझ नहीं आए ना, तो आपके लिए यूट्यूब नहीं बना, तो आप ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म छोड़ के जा सकते हैं। आप कोई और काम कर सकते हैं, जॉब कर लीजिए, कोई सरकारी नौकरी कर लीजिए, या फिर अपना बिजनेस डाल दीजिए, आप वो कर सकते हैं। अगर मेरे दोस्त आपको ये सही तरीके से समझ आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जब तक के लिए मेरे दोस्त, नमस्ते और जय हिंद।